Hello students, hope so you all are fine. So welcome to Pooja Fadri's channel. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम इस वर्ड की मीन अंडरस्टैंड करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है. तो बेसिकली इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें तो ये तीन वर्ड्स में स्प्लिट हो जाता है. एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क, ट्यूबुलर नेटवर्क. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मतलब है वो यही है कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ट्यूबुलर नेटवर्क नजर आता है, उस ट्यूबुलर नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, यानी इसके पास दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है. और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होती है, ये इसकी जो कंपोजिशन होती है वो लगभग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रिलेट करती है. यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर और जितने भी ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर हम पढ़ेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे, उन सारों की स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रिजेम्बलिंग करती है स्ट्रक्चर के लिहाज से. यानी उसमें भी फॉस्फोलिपिड होता है, उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट, तो इस वजह से. अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंट्रासेलुलर हाईवे कहा जाता है. ये इंट्रासेलुलर हाईवे इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होकर न्यूक्लियर एनवलप तक जो है ना ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है. तो ये जो है ना इंट्रासेलुलर हाईवे का काम कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, चीजों को एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक एक्सपोर्ट करने में काम कर रहा होता है. तो इसीलिए इस इंट्रासेलुलर हाईवे कहा जाता है. अच्छा, ये तो हमने बात कर ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की समहाउ स्ट्रक्चर की. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने इनसाइड द सेल देखना है तो हमें अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये ऑब्जर्व हो सकता है. यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देख सकते हैं, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी साइज जो है वो बहुत ही छोटी है. अच्छा, फिर ये जो नेटवर्क है, ट्यूबुलर नेटवर्क है, इस ट्यूबुलर नेटवर्क के अंदर हम कहीं हमें सम सेट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी. अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर हमें ये जो निकले हुए सेक्स नजर आ रहे हैं, ये सेक्स जो होते हैं इन सेक्स को कहते हैं सिस्टरनाई. और इन सिस्टरनाई, जब ये सिस्टरनाइज बनती हैं, इन फोल्डिंग होती है ना इनकी मेम्ब्रेन्स की, तो ये सिस्टरनाई बनती हैं. अच्छा, इन सिस्टरनाइज के बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को ल्यूमन कहते हैं. और इसी ल्यूमन के अंदर डिफरेंट सर्टेन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है और समहाउ मॉडिफिकेशन का काम होता है वो इन ल्यूमेन के अंदर होता है, सिस्टरनाइ के ल्यूमेन्स के अंदर होता है. कंप्लीट सी मॉडिफिकेशन होती है वो होती है गोल्जी एपरेटस के अंदर, जो आफ्टर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इट. सो ये तो है इसकी स्ट्रक्चर. अगर हम देखें कि आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके दो टाइप्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स बन जाते हैं. एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही स्टैंड कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेनली प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से इसको हमने रफ कहा है, क्योंकि आप ये देखें स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर, ये पिंकिश स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इस स्ट्रक्चर के सरफेस पे आपको डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं. तो ये डॉट्स ग्रेन्यूल्स हैं. ये ग्रेन्यूल्स किस चीज के हैं, ये बेसिकली राइबोसोम्स के ऊपर अटैच्ड हैं. लुक एट हियर, यहाँ पे राइबोसोम लिखा हुआ है, तो इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं और ज्यादातर जो इसकी प्रोटीन्स बनती है वो मोस्टली मेम्ब्रेनस कंपाउंड्स, मतलब कि ये यूज हो रही होती है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उनके अंदर इसकी ज्यादातर यूज होती है. अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है उन सेल्स में, ज्यादातर सेलों में, किन सेलों में पाया जाता है, तो ज्यादातर सेलों में उन सेलों में होता है जहां पर ज्यादा प्रोटीन बनती है, जहां पर लार्ज अमाउंट प्रोटीन की एक्सपोर्ट होती है, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए.
अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि वो क्या करते हैं, वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। अब वो एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, तो वहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेलों में पाया जाता है। उसके अलावा डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो हार्मोन सीक्रेट करने वाले सेल्स में भी एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और दूसरे पके एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी जहां पर एंटीबॉडीज बनती हैं, तो एंटीबॉडीज भी बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीनियस नेचर होती हैं। तो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन जो होती है उन्हें वो भी ज्यादातर जो है जहां पर रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है इसकी यहाँ पर हो जाती है फॉर्मेशन, फिर समहाउ इसकी मॉडिफिकेशन होती है, फिर उसकी समहाउ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता है टूवर्ड दी गोल्जी अपैरेटस, उसको दिया जाता है कि भाई इस अब काम को आप सरंजाम दो, कंप्लीट करो, ठीक है। तो कंप्लीट मॉडिफिकेशन जो होती है वो गोल्जी अपैरेटस में होती है। और फिर दूसरा इसका जो टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, ये मेनली जो है ना ये लिपिड्स की बिल्डअप करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और दूसरी चीज ये मेन रोल जो प्ले कर रहा है ना वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में कर रहा है। मसलन हम देखें ना ड्रग्स वगैरह यूज कर लेते हैं, मसलन हम टैबलेट्स ले लेते हैं, तो टैबलेट्स में डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंस होते हैं। अच्छा ह्यूमन बींग्स अल्कोहल कंजप्शन कर लेते हैं, तो अल्कोहल की कंजप्शन में भी जो टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो बड़ी हार्मफुल होते हैं हमारे सेल्स के लिए। लेकिन देखें ना हमारे पास जो है ना वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है कि हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा होता है, उन टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, यानी उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो है हमारे बॉडी को वो या हमारे सेलों को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा ये ज्यादातर जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको लिवर सेल्स में भी हाई अमाउंट में मिलेंगे। अच्छा उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑवरीज और टेस्टिस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। फिर हमारे स्केलेटन और हार्ट के मसल सेल्स हैं उनके अंदर भी आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अबंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, क्योंकि आपके जो कैल्शियम आयंस हैं उसको स्टोर करने में मदद करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ज़्यादातर अबंडेंट होते हैं लिवर और किडनी में, क्योंकि लिवर और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो है स्मूथ आपका सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो ओवरऑल हमने जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे में ये देखा है कि ये एक इंट्रासेलुलर हाईवे है और ये मेन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फिर इसके ये भी देखा कि हमने ये जो है डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो ये बेसिकली जो है ना इनके मेन काम है, इसीलिए जो है ना ये अच्छा एक मेन काम ये भी कर रहा है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, राइबोसोम्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम